हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करवाऊंगी। ये हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को पढ़ करके हमने एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो अब मैंने आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने दोनों लैंग्वेजेस में इसको रेडी किया है, तो मैं दोनों ही पढ़ के आपको बताऊँगी और साथ साथ समझाऊँगी। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची हुई संख्या की तिगुनी है। वह सोची हुई संख्या ज्ञात कीजिए। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। वॉट इज़ द नंबर? तो अमीना ने जो थिंक किया नंबर वो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या सपोज करके चलेंगे कि मान लो अमीना का सोची गई संख्या, ठीक है, अमीना की सोची गई संख्या बराबर है एक्स है। ठीक है बेटा, तो जो उसने सोचा उसके बाद वह इसमें से 5/2 घटाकर यानी सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इस संख्या में से वो 5/2 को घटा रही है। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो परिणाम मिलता है यानी शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, तो इसे वो मल्टीप्लाई करती है 8 से। ठीक है, 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब इसके बाद जो फिर दोबारा परिणाम मिला वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, मतलब उसने कौन सी संख्या सोची थी एक्स, वो इसका 3 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्टेटमेंट बनाई है हमने। दोबारा से समझ लो कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना ने एक संख्या सोची एक्स एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, उसने उसमें से 5/2 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 और फिर उसने उस रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, जो नया रिजल्ट हमें मिला दैट इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। ठीक है, तो अब हमारा ये समीकरण बन गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ गया, इसको सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 5/2 आ गया =3x आ गया। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि ये इससे कट रहा है, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो 8x -20 = 3x। अब जैसे पीछे आपने 2.1, 2, 3 में सीखा था कि हमने जो है वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाना है और कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 8x को यहीं रखेंगे, 3x को इसके पास लेके जाएंगे, तो माइनस का 3x बन जाएगा एंड ये कॉन्स्टेंट है -20, तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो 20 बन जाएगा। 8x में से 3x गया 5x = 20 एंड x इक्वल टू ये 5 जो है इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको काटेंगे, 5 1 5 एंड x 5 4 20, तो ये 4 आ गया हमारा x। x हमारा यानी अमीना की जो सोची हुई संख्या थी वो x हुई, जो उसने थिंक किया था नंबर, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह से अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स 2x द अदर न्यू नंबर। वॉट अदर नंबर्स? तो हमारे को दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें दोनों ही नहीं मालूम। तो उन्होंने क्या कहा, पहला जो नंबर है वो दूसरे का 5 गुना है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times द अनदर नंबर। तो हम क्या लेके चलेंगे, मान लो दूसरा नंबर, दूसरी संख्या जो है हम एक्स लेके चलते हैं, तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, उसका 5 times यानी 5 गुना x 5x। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो अगर हम दोनों में 21 ऐड कर दें, इसमें भी और उसमें भी, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। जो हमारा पहला नंबर था ना, ये वाला पहला नंबर दूसरे का दुगना हो जाता है। तो समझ आई, इसका दुगना मतलब इसका दुगना कर देंगे, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5x + 21 = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं, 2x इधर आ गया तो ये 2x बन गया और इधर 42 है और इधर 21 उठाएंगे तो -21 बन गया। 5x -2x = 3x एंड इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो 21, x = 21/3, इसको कट करेंगे, 3 1 3 एंड 3 7 21, तो x = 7। तो जो उसने पहली दूसरी संख्या सोची थी वो था x एंड उसकी जो पहली संख्या थी वो उसका 5 times था, दैट मीन्स इसका 5 times यानी कि 35 आंसर आएगा हमारा। हाँ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब इस तरह से मैं आपको इसका 35th क्वेश्चन समझाऊंगी। अब तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप भी करेंगे ना, तो
अब ये क्वेश्चन मैं समझाने जा रही हूँ। शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज? तो हमें तो दोनों की प्रेजेंट एज नहीं मालूम, तो हम क्या लेके चलेंगे? मान लो शोभो की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज होती है एक्स वर्ष, ठीक है, एक्स एज, ठीक है, और शोभो की माँ की आयु वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज वो हो जाएगी हमारी, क्या लिखा है यहाँ पर, शोभो की माँ की आयु, शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो अगर उनकी शोभो की आयु एक्स है तो शोभो की माँ की आयु क्या होगी? 6x, ठीक है, और 5 ईयर्स आफ्टर, 5 वर्ष के बाद उन्होंने लिखा है ना शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष के बाद शोभो की आयु क्या होगी? शोभो की आयु क्या हो जाएगी? आज एक्स है तो 5 के बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 वर्ष, ठीक है, और विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, मतलब आज जो उसकी 5 साल के बाद की आयु है वो उसकी मम्मी की प्रेजेंट आयु का 1/3 हो जाएगी। यहाँ पे 1/3 करेंगे, ये शोभो की 5 साल के बाद की वो एज है और ये उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी। तो अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन्हें हम कट कर देंगे, तो ये आ गया 2x। अब हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, तो ये कॉन्स्टेंट है इसको यहीं रहने दो और इस वेरिएबल को उठा के इसके पास लेके जाएंगे, तो 5 = 2x - x यानी x आ गया। तो x हमारी जो शोभो की एज है, शोभो की आयु, शोभो की आयु कितनी बनी? 5 वर्ष 5 ईयर्स, और शोभो की माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु कितनी बनी? जो 6 गुना थी यानी 5 × 6 यानी 30 वर्ष 30 ईयर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही पढ़ के आपने सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।